Hello, hello, hello. Good afternoon, everyone. Rizwan Haider emotionally welcome you in this video. Umeed karte hain aap jahan bhi honge khairiyat se honge, behtareen honge, shandar honge. Maazrat thoda sa late ho gaye hain. Video to dala hua tha 20-25 minute ho gaye hain. To koshish karenge ki jaldi aapko zyada intezar na karwaya kare. Aur kaise hain aap tamam dost? Khair khairiyat se. To ji, Rajasthan Royals versus Delhi Capital. Aaj ये मद्दे मुकाबिल होंगे आईपीएल में और मैच खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स के होम ग्राउंड में. तो मोहसिन भाई की आज दिल्ली कैपिटल है. आपने कल रात दे दिया, चले मेहरबानी. तो जयपुर में आपने मोहसिन भाई चले आप नहीं होना चाहिए क्योंकि दिल्ली कैपिटल, चलो दूसरा मैच है, नोकिया वापस आ गया और राजस्थान रॉयल्स अपने घर में कोई पिछले साल कोई बहुत ज्यादा मैच जीता नहीं था, बल्कि अपने घर में ज्यादा हार रहा था, बाहर जाके जीत रहा था. तो ये कुछ इनका अलग मैच क्या हुआ था लखनऊ वाला? हाँ जी, हाँ, तो पहले लखनऊ वाला क्या हुआ था? कहानी सुना रहा हूँ पिछले का साल की. नहीं नहीं, क्या हुआ था लखनऊ वाला, जरा मैं सुनना चाहता हूँ. मैच आ रहा था घर में, भाईजान आप जो है वो तो, समीर भाई ने आपको सही नाम दिया है, चलाक लोमड़ी वाला. बात दरअसल ऐसे है कि अब आपने कल कहा कि आप मुझे लगता है राजस्थान रॉयल्स ही लेंगे, तो मैंने कहा आपने केकेआर ले ली, कोई बात नहीं, आपकी है राजस्थान रॉयल, कल मेरी बारी आएगी, अब आप टेंशन ना लें. तो टेंशन ना लें आप, कौन सा पीछे है भाई जान, चार चार से काम बराबर चल रहा है, चार से हम जा रहे हैं, टेंशन में क्यों आ रहे हैं आप? और ये शो करते ही मैं जाऊंगा वो बोर्ड लेने के लिए. हाँ तो बिल्कुल, मुकाबला तो नेक टू नेक चल रहा है, तो चार चार है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है. नहीं मुझे तो कोई टेंशन नहीं, आप कह रहे हैं नोकिया भी आ गया, फलाना भी आ गया, कोई चेंज ऑफ हार्ट कहीं हो गया हो, आपका दिल कर रहा हो दिल्ली लेने का. है मिच मार्श है, ये तो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया के लिए करते हैं लीग में, सिर्फ ये फूसी कैट्स होती है. गंगुली साहब भी कह रहे हैं कि जी देखें, हमने तो वो ओपनिंग पेयर रखा हुआ है कि जो ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करता है. मिच मार्श अब कैप्टन है ऑस्ट्रेलिया का, वर्ल्ड कप में मिच मार्श नजर आएगा आपको, डेंजरस बैट्समैन, वार्नर भी साथ में. जी जी जी, तो आप फिर वो ले रहे हैं दिल्ली आज, ये टीम अच्छी आपकी, मैं आपको तो आप दिल्ली ले रहे हैं, टेंशन नहीं लेनी आप. नहीं नहीं, अगर आप दिल्ली ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, मुझे कोई इतराज नहीं है. नहीं अब क्या बार बार ये टीम वो टीम वो टीम, जो आप ले लिया हल्की फुल्की सी बस, ठीक है हल्की तो ठीक है जी, अब जो ले लिया टीम तो इस पे गुफ्तगू होगी मैच पे. बाकी देखें, ये बहुत ज्यादती कर रहे हैं, दो दो किलोमीटर ये आजम खान को भगवान है, दो दो किलोमीटर, वो किलोमीटर बाद ही गिर जाता है. और वो जो देखे मिलिट्री अकेडमी काकुल वाले जब बिल भेजेंगे ना पीसीबी को के भाईजान रिपेयर्स एंड डैमेजेस बिल, फिर इन पीसीबी वालों को पता लगेगा कि हमने क्या गलती कर दी है, क्या खिलाया क्या पिलाया है क्या भगाया है क्या वजन कम कराया है. तो देखे बहुत ज्यादती की बात है कि सुबह सुबह या दोपहर में या जिस भी टाइम ये आजम खान से दो दो किलोमीटर दो किलोमीटर यार, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और इतना ज्यादा नहीं भगाना चाहिए. कोई भी कोई 100-200 मीटर, वो भी कोई 2-3 मिनट में, तो ऐसा कुछ टास्क देना चाहिए. ऐसा थोड़ी कि जनाब आप भागे 2 किलोमीटर 10 मिनट में, ऐसा तो फिर नहीं होता ना. फिर बंदा 1.5 किलोमीटर पे बैठ जाता है उस, हाँ बस हो गया, आप उठाओ मुझे आके, क्रेन मंगाओ. हाँ जी, All is well जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार. शुरू करने से पहले बस मैं एक बात, क्योंकि कल रात से बहुत सारे लोगों ने भेजा है, तो एक बात मैं जरूर कहूंगा कि इंसान को पहले अपना मुंह, अपना करेक्टर, अपने आप को देखना चाहिए बिफोर अनलीशिंग हेल और बिफोर टॉकिंग अबाउट अदर्स. अब मैं देख रहा हूँ कल से ना ये बड़ा चल रहा है कि जनाब मुंबई इंडियंस कैंप में डिवाइड है और रोहित शर्मा जो है वो डिवाइड एंड रूल कर रहा है. रोहित शर्मा, तुम्हारी जितनी पूरी जिंदगी की खलासत है ना, उससे बड़ा उसके एक दिन जो उसने हिंदुस्तान को दिया वो है. मैं रोजे की हालत में बैठा हूँ, मैं लानत भेजता हूँ डिवाइड एंड रूल पे, मैं लानत भेजता हूँ किसी की झूठी तारीफ करने पर. और मेरा तो मशहूर है
कि गलत बात तो मैं अपने बाप की नहीं बर्दाश्त करता। मैं ये कह दूं कि ये जो सस्ते मस्ते बैठे हैं, ये जो बकवास कर रहे हैं और ये जो रोहित शर्मा पे आग उगल रहे हैं, ये बेगैरत ये नहीं जानते कि कसूर रोहित शर्मा का नहीं, कसूर तुम्हारे हार्दिक पांड्या का भी नहीं है, कसूर है नीता अंबानी जी का, जिन्होंने ये सारा मिसमैनेज कल वहां बैठ के देख रही थी और शर्मिंदा हो रहे थे। अगर ये पहले ही सीएसके की तरह, या देखें मनी कान बाय सक्सेस, मनी कान बाय यू रिस्पेक्ट, आपके हाथ से पैसे लेंगे बाद में आपको गालियां देंगे, ये कुदरत का और लोगों का दस्तूर होता है, घटिया आदमी घटिया ही होता है। तो रोहित शर्मा पे बकवास करके और साइडें लेके, या हार्दिक पांड्या पे बकवास करके और साइडें लेके आप सीधी बात करें, वो बात यह है कि जिन्होंने ये किया उन पे बात करें। खबरदार अगर आप रोहित शर्मा पे के जी कैंप बना दिए, डिवाइड कर दिए, गधे के बच्चों, उसने अभी इतनी हल्की टीम के साथ, इतनी हल्की टीम के साथ इंग्लैंड बेसबॉल की कब्र खोदी, उन्हें वहां दफना दिया। और आखिरी बात, हार्दिक पांड्या कह रहा है मेरे पास इनएक्सपीरियंस बॉलिंग है। अबे तू 8 साल से खेल रहा है, बुमराह 8 साल से खेल रहा है, ये पीयूष चावला पता नहीं कितने साल, कौन सा तेरे पास। हाँ, अगर तू अंडर 19 के प्लेयर को अटैक नई बॉलिंग से नया बॉल दे देगा, बुमराह को पीछे बिठाएगा, तो वो कसूर तेरा होगा, वो नीता जी का या अंबानियों का नहीं होगा। हाँ भाई, हेलो जुमान, आई एम जुमान, हसनैन अब्बास मैसेज कर रहे हैं कि जी आई एम जुमान, तो हाउ आर यू जुमान अब्बास कर रहे हैं या जुमान कर रहे हैं, हसनैन अब्बास के अकाउंट से जुमान रजा मैसेज, क्यों अपना मोबाइल छिन गया या अब्बा जी ने कुछ, ये तो बड़े नोट जमा करता है प्ले स्टेशन और पता नहीं कहना स्टेशन, बड़ा भाई इसने कमेटियां डाली हैं, बड़ा माल है इसके पास, फायदा ने भी माजरत दी है। तो पता नहीं किधर गायब ही हो गए, और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाओ, व्लॉग बनाओ क्रिकेट के, और पढ़ाई भी अच्छी करो, और सब ठीक है। अच्छा जी, तो स्नैन चिट्टा जी आपके क्या हाल है, कोको का क्या हाल है? चिट्टा जी की हम बात कर रहे थे, चिट्टा जी आ गए। चिट्टा जी को अभी अभी मौसम भाई कह रहे थे कि मैं इसको बुलाऊंगा, जरा हम पैंट शर्ट खरीदेंगे ईद से पहले। हाँ यार, काफी अर्से से हम वो जरा गए नहीं ना इकट्ठे, जब से आप भागे, जब से आप भागे हमारे भी मुलाकातें खत्म हो गई है ना भाई। हम भागे तो आप ऐसे कह रहे हैं मैं डंकी लगा के आया हूँ जैसे, भाई जान भाग ही गए ना हमारे हाथ से तो निकल गए, आप तो गोरों के देश को गोरों के प्यारे हो गए। तो हम कौन से डंकी लगा के आए, भाई जब देखे आप डंकी लगा के आए या डुमकी लगा के आए हैं, चले गए हैं। और अब देखे ना वो शामे, वो रोजे पिछले साल हम इकट्ठे खोल रहे थे, वो कचोरियां, वो समोसे, वो फ्रूट चाटे, वो शरबतें लुकाट के, वो सारा तो अब आप देखे ना नहीं है ना। ये बात तो सही है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो हाँ, ये जो बात मोहसिन भाई ने की है, इसमें देखिए पहला जो मैच है मुंबई इंडियन का, तो उसमें मैंने जस्ट ऐसे ही शुगल मेले के लिए बोला कि ये जनाब जानबूझ के हारे, ऐसे किया वैसे किया, फिर आपको बोला कि ये इस तरह के टाइटल होते हैं सनसनीखेजी फैलाने के लिए। तो अब उसमें देखिए मिडिल ऑर्डर भी अच्छा नहीं खेला था, और टिम डेविड वगैरह जो कल हार्दिक पांड्या ने काम किया, वो उस दिन टिम डेविड ने भी काम किया, वही वाला 10 गेंदों पे 11, या तिलक वर्मा 20 पे 24। तो एग्जैक्टली कल जो काम हार्दिक पांड्या ने किया वो उन्होंने किया था उस मैच में। तो अगर उस मैच में मान लिया जाए कि जी मिडिल ऑर्डर ने गड़बड़ की, ऐसा किया वैसा किया, तो कल तो फिर जो एक बंदा सबसे ज्यादा कसूरवार है तो वो आपको पता ही है, बताने की जरूरत नहीं है, 20 गेंदों पे 24। तो अगर साजिश कोई और कर रहा है तो ये 20 पे 24 क्यों कर रहा है। तो इट इज अ मेक सेंस, यू नीड टू कनेक्ट द डॉट्स। अगर आप पहले मैच में मान भी लें कि यार ये तिलक वर्मा 20 पे 24 वाला तो नहीं है, अच्छा खेलता है, टिम डेविड भी यार 10 पे 11 ऐसा कैसे हो सकता है, या ऊपर से वो ब्रेविस एकदम से उसका पता नहीं किसी ने बटन दबा दिया है कि बिल्कुल सुस्त हो गया वो भी, कोई 37-38 गेंदे और 44-45 रन, इतना कैसे कोई सुस्त खेल सकता है, तो कोई गड़बड़ है। लेकिन इन यस्टरडेज मैच, एज आई वाज टेलिंग यू यस्टरडे, नन अदर देन हार्दिक पांड्या इसने कॉस्ट किया है मुंबई को 40-50 रन।
aram sukoon se while when he was batting and when he was fielding and he was the captain, he was making the decisions and he was making the rubbish decisions. जिसको थोड़ी सी कॉमन सेंस भी है क्रिकेट की, वो भी ये बंदा नहीं सोच सकता कि आपके बॉलर्स को कुट कुट के उन्होंने कीमा कचूमर निकाल दिया 10 ओवरों में 150। आपका प्रीमियर और दुनिया का जो प्रीमियर फास्ट बॉलर है वो देख रहा है जी हमारे बॉलर्स को कुट पड़ गई। तो ये फैसले इसने खुद किए हैं, ऐसा थोड़ी है कि कोई इसको बाहर से जबरदस्ती बोला कि खबरदार कि अगर तुमने 10 ओवर उससे पहले सिर्फ एक आधे ओवर के अलावा कोई ओवर दिया बुमराह को, तो इसके अपने फैसले हैं। तो जो भी आई डोंट नो मौसम भाई किसकी बात कर रहे हैं, किसने क्या बोला है, मैं तो इनकी बात पे बात ना जनरल बात कर रहा हूं। आई एम टॉकिंग जनरल बात पे बात कर रहा हूं, मैं नॉट मेंशनिंग एनीबॉडी, आई एम टॉकिंग इन जनरल नॉट इन पर्टिकुलर। हां कि हो रहा है ग्रुपिंग हो रही है, प्रोपेगेंडा हो रहा है, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, तो इट्स ऑल रबिश। अच्छा नहीं लगता ना रिजवान साहब, आपके मुल्क का एक आन बान शान है, दोनों है, दोनों है, तो डोंट डिवाइड देम, डोंट डिवाइड देम एक ऑर्डिनरी फैन में और एक चले यूट्यूबरियों में, कुछ तो फर्क होना चाहिए ना। क्योंकि कल वाला जो मैच आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या की वजह से ही आ रहा है ये मुंबई इंडियन, हालांकि 270 खाने के बावजूद दे वर इन द गेम अंटिल द मोमेंट हार्दिक पांड्या स्टेप इन। ये सचिन तेंदुलकर ने भी यही बात की है कल, उन्होंने कहा 10 ओवरों तक नोबडी नोज हु इज द विनर, बात बिल्कुल सही की है उन्होंने। और देखिए कुछ लोग कह रहे हैं अगर थोड़े रोहित और देखिए 35 बॉलों में रोहित 50 कर देता, 150 का स्ट्राइक रेट होता, क्या वो काबिल होता भाई? आपको बॉल वन से 225 का स्ट्राइक रेट चाहिए था, वो तो अपना सही 200 प्लस खेल गया, ईशन किशन भी 200 प्लस खेल गया, मरवा तो इन्होंने दिया था आपको जो कप्तान है। और अब और किसी को ब्लेम नहीं कर सकते, कल का जो मैच ही हारे है, इट वॉज फंटास्टिक मैच, आई लव एवरी बिट ऑफ इट, लेकिन द मोमेंट हार्दिक पांड्या स्टेप इन टू बैट फर्क है। देखें जैसे फील्ड में उतरा है ये बिल्कुल रिलैक्स चेहरे और स्माइल, ये एक तो इतना, ये वैसे गुजरात की तरफ से खेलते हुए इतना हंसता नहीं था, ये नर्वस है इसलिए ज्यादा हंस रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस ये साइकोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ आपको कि जो और लोग मेरे पीछे पड़ गए जी, आपने ये कहा माफी मांगे, ये नर्वस लग रहा है क्योंकि ये साइकोलॉजी की बात है कि जो बंदा फीलिंग नहीं कर रहा होता और वो प्रीटेंड करने की कोशिश करता तो वो जोर से ज्यादा करता, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार जीत दांदिया निकाल रहा है, 270 खाने के बाद दांत निकाल रहा है, तो ये हर जगह पे दांत निकाल रहा है, बस उसी दिन आउट होने के पे गुस्सा आया था इसे, तो ही इज जस्ट ट्राइंग टू कि मुझे कुछ ऐसा इफेक्ट नहीं कर रहा, अगर क्राउड कुछ ऐसा से कह रहा है, ये कह रहा है मैच हार रहे हैं वो ठीक है कम बैक। देखिए आई स्टिल बिलीव कि मुंबई इंडियन प्लेऑफ में जाएगी, मेरा भी यही ख्याल है, एन एक्सीलेंट साइड, अच्छे फैसले करने की जरूरत है और अपने प्लेयर्स को अच्छा यूटिलाइज करने की जरूरत है, इनकी टीम का बैलेंस बिल्कुल शानदार है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन अब ये प्लेयर्स को इस्तेमाल भी तो इन्होंने करना है, तो नन अदर देन हार्दिक पांड्या नहीं 270 आप लोग सारे कह रहे हैं, आप ये क्यों नहीं कह रहे बुमराह को क्यों नहीं लगा रहे नेपाल से, ये 270 तभी हो रहा है, आपका मेन बॉलर दुनिया क्रिकेट का सबसे बड़ा बॉलर आपके पास है और वो जो है बाहर है हार्दिक पांड्या, फिर आप कहते हैं धीरज ये लगा के ऐसे आ जाता है बाल हिलाता वे सुनोगे ओ भाईजान, बॉलिंग करें चार्जिंग ना मेहरबानी करें, चार्जिंग की वायर लगा दी है आप ना, चार्ज हो जाना यार जरा, मैं तो हर बार चार्ज रहता हूँ बगैर तार के। कह रहे जी टीम डेविड कौन सा जी, उसी की भी गुफ्तगू कल हुई थी अगर आपको याद हो तो, लेकिन टीम डेविड भाई बाद में वो रिकवर कर गया ना, टीम डेविड 8 गेंदों पे 6 पे खड़ा था तो बिल्कुल बकवास वो भी खेल रहा था, लेकिन उसको थोड़ी सी शर्म आ गई एंड ही स्टार्टेड हिटिंग, पांड्या जी के बल्ले से कुछ नहीं आया, वो एक छक्का आया चौका आया आगे बिल्कुल, वो शुरू में ही आ गया था छक्का चौका, 2 गेंदों पे तो 10 आ गया, तो बाकी 18 पे इसने 14 किया यार, 18 गेंदों पे 14 मतलब 2 गेंदों पे तो इसने बना लिया बीच में 10, एक छक्का लगा एक चौका लगा, आगे क्या किया इसने 18 पे 14, मैच खत्म कर दिया, कहानी खत्म, पैसा हजम। चलो इन दोनों ने जो बीच में 2-3 ओवर खेले ना रन बॉल,
तो मैच उधर ही खत्म हो गया था एक्चुअली, क्योंकि ये मैच में आप किसी भी तरीके से 3-4 ओवर के ऊपर नीचे 2 ओवर खेल ही नहीं सकते थे, उधर ही मैच खत्म हो जाता और उधर ही मैच खत्म हो गया। आपका रिक्वायर्ड रन रेट 14-15 को छू रहा है, आप 3-4 रन के 2-3 ओवर खेल जाएं तो रिक्वायर्ड रन रेट तो निकल गया ना 22-24 पे। तो 22-24 का मतलब ये है कि आपने आखिरी 3-4 ओवरों में वो 80 चाहिए था, नहीं होता भाई। फिर तीन ओवर में 68 एग्जैक्ट 23 का रन रेट चाहिए था। हाँ तो 3 ओवरों में 68 है और 6 ओवरों में 92 है। तो आप देखिए इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वो तीन, इन्होंने 14वां 15वां ओवर जो खेला ना बिल्कुल सुस्ती वाला, बस उधर ही कहानी खत्म हो गई थी। बाकी दे आर रिस्पॉन्सिबल, बच्चों ने गेम में रखा कल इनको, बच्चों ने। एनीवेज अच्छा जी प्रीतम जी क्या मिमिक एंड थंबनेल किया है जनाब। नहीं मोहसिन भाई ने जो कल वो कुछ किया था तो मैंने कहा थंबनेल में डाले जरा, तो इसमें क्या बात है, यू शुड बी वी आर प्राउड ऑफ इट। आप अगर आपसे वो जो है वो प्राउड है ना, आप जिन चीजों को देखते हैं तो वी आर प्राउड ऑफ इट। समटाइम्स इट लुक गुड ऑन लाइटर नोट्स, समटाइम्स हम रोज आके वो हलवा गिरी और छपड़ी जमनी करते ना। देखिए कल भी आपका मैसेज आया था, मैं जाहिर है कि बोल रहे थे काफी ज्यादा मैसेज थे तो आपकी बात पे इतनी मैं बात नहीं कर पाया। ऐसी बात नहीं, प्लेयर्स को गालियां तो नहीं निकल रही आजकल, तो जो यूट्यूब पे जो काम कर रहे हैं लोग व्यूज पे व्यूज ले रहे हैं, हर बंदे को पता जी पांड्या के खिलाफ बात करो लोग खुश हो रहे हैं, लोग गालियों तक उतर आए हैं, गालियां दे रहे हैं, नाम बिगाड़ रहे हैं, कोई कौवा कह रहा है, कोई चील कह रहा है, कोई काला कह रहा है, कोई पता नहीं क्या क्या कही जा रहा है। भाईजान फील्ड में जो आ गया था उसके साथ जोड़ रहे हैं, हमने तो फील्ड में उस दिन वो कुत्ता आ गया, कई यूट्यूबर्स वो कह रहे हैं उसको, तो भाईजान आप आके हमें लेक्चर देने शुरू हो जाते हैं और व्यूज भी उनके ठीक ठाक आ रहे हैं, ठीक ठाक व्यूज यही हरकतें करके ले रहे हैं। तो ये जो मॉरल पुलिस है ना, ये आप हमारे पे लाके लागू कर देते हैं जी, आपने ये कह दिया तो वो कह दिया, बिकॉज हमने आपको लिबर्टी दी हुई है कि यू कैन क्वेश्चन अस, दूसरे तो परवाह भी नहीं करते, ठीक है भाई देखना देख रहे तो चलो निकलो यहां से, हम और कोई आ जाएगा। तो हम तो ऐसी क्या जोर करता ना रिजवान है, इनको शर्मिंदा होना चाहिए, क्या हरकत कर दी इन्होंने, गाली बकी है कोई, लोग तो गाली बक के फिर कह देते हैं ओ जी वो बस बोल दिया ठीक है, नहीं बोलना चाहिए था, वो भी किस पे थोड़ी सी गैरत हो वो बोलता है वरना लोग बोलते नहीं। तो इसलिए कल भी आपसे बोला था कि हर चीज पे ठीक है, अब ये मेरे मिजाज के मुताबिक नहीं है, मुझसे ऐसा नहीं होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कई लोगों को पसंद ही नहीं है ऐसा। अब मौसम भाई के मिजाज के मुताबिक है, बात उन्होंने की है, कई लोगों को पसंद आया कईयों को नहीं आया, आप शायद आपको नहीं पसंद आया तो इट्स ओके, बट देयर आर सो मेनी अदर पीपल जिनको पसंद भी आया। नहीं फिल्मों और ड्रामा में ये जब होता है तो आपको रोज नए नए एक्टर वो कर देते हैं जनाब, कोई कभी जॉन रैम्बो बन के आ जाते हैं, कभी क्या बन के आ जाते हैं, बस कल ऑल ऑफ अ सडन कोई आया इनके माइंड में तो कर दिया, कहानी खत्म, बात खत्म हो गई, नया दिन नई वीडियो। हम कोई गाली तो बकवास तो नहीं कर रहे किसी को, गालियां तो नहीं दे रहे किसी प्लेयर को, लोग तो गालियां दे दे के पता नहीं कितने कितने व्यूज ले रहे हैं। एनीवेज हमें अपनी एक रेपुटेशन है, एक नाम है, इतने सालों से हम बात कर रहे हैं तो कोशिश करते हैं कि ऐसी बात ना की जाए कि जिसपे शर्मिंदा हो, जिसपे कभी ऐसी बात हो गई तो वी विल अपोलोजाइज स्टेट अवे, नोबडी वी वोंट बी नीडिंग समबडी टू आस्क क्या जी आपने ऐसे किया वैसे किया वैसे किया, थैंक यू फॉर योर मैसेज। अच्छा जी सेकंड कैंजरा मोहसिन भाई, रोहित को डिवाइड नहीं कर सकता, वो प्राउड है हमारा, पूरा आईपीएल एक तरफ रोहित एक तरफ और वी विल पिक रोहित एंड पूरा इंडिया भी, बट दैट्स इट, यही मैं कहता हूं। देखें डिस्पाइट द वे, आज मैं आपको ये बात बताऊं तो ये रोहित शर्मा ना होता तो हार्दिक पांड्या का कोई कैरियर ना होता इंटरनेशनल, ये बात सुन लें। 2015 में जब इसको लाए थे रोहित शर्मा ने बहुत बैक किया था, डिस्पाइट हिज परफॉर्मेंसेस वर वेरी ऑर्डिनरी, ये रोहित शर्मा था हु बैक्ड हिम। आज आप ये दो आने के छापड़िए जो है, मैं छापड़िए हार्दिक नहीं, ये जो बाहर बैठे सबको पता है कौन है,
नाम नहीं ले रहा, ये मतलब है रोहित शर्मा की इंटेग्रिटी पे क्वेश्चन कर रहे हैं कि वो साजिश कर रहा है। और कुछ शर्म करो और कोई हया करो, पति राणा से सीखे, वो धोनी के पांव छू रहा है, ये होती है रिस्पेक्ट। अब ये बाहर गया पोलार्ड और वो बैठे हुए मलिंगा, कहता मुझे कुर्सी दे, मलिंगा ने हार्दिक के लिए कुर्सी छोड़। जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे टीम भी डाउन है, आप जानते हैं। ये बिल्कुल आपने सही कहा है, साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है, मसला होता है, बंदा परेशान है। वो तो वो ओनर जितने परेशान है, वो अंबानी साहब के बड़े फरजंद भी से कल समझाते हुए नजर आ रहे थे कि यार कोई मैं किया आपने गालियां हार्दिक खा रहा, किया आपने मसला हार्दिक पॉइंट। अब देखे अभी तक तो रिजवान गुजरात, गुजरात में आपको पता है ये अभी छोड़ के आया, गुजरात का टेम्पर आसमान पे था लोगों का। उसके बाद आप हैदराबाद गए, वो भी सेकंड ओवर में रोहित, खतरनाक सूरत हाल। पता है क्या कि मुंबई वानखेड़े में जब मैच होगा वो क्राउड कैसे बिहेव करेगा। अभी तो आप घर से बाहर हैं, जब आप घर में आएंगे ये अभी भी नीता अंबानी जी बिठाए, मामला सही करें। अगर मुंबई में भी हूटिंग हुई, बूइंग हुई, फिर क्या होगा? और ये तो लोग नहीं कर रहे कि जो साइन ऑफ कंसर्न ना हो, ये हजारों लोग कर रहे हैं। दिस इज अ मैटर ऑफ रियल कंसर्न। ऐसे जी अंकित जी, थैंक यू, आपका शुक्रिया। हेलो कुंज दीक्षित जी कहते हैं ना, इट्स सैड टू सी दैट इंडियन दैट पीपल आर बोइंग पांड्या, बट ही शुड बी हंबल एंड काम एंड रिस्पेक्ट रोहित लाइक रुतु, वो शुड रियलाइज दैट धोनी विराट रोहित जी। एब्सोल्युटली बात ठीक है, यही बात है, ठीक है, यही बात, सारी बातें ही ठीक है। अच्छा जी, तो मोहसिन अली साहब, दिल्ली कैपिटल वर्सेस राजस्थान रॉयल्स टुडे, और मैच जाहिर है कि राजस्थान रॉयल्स में के ग्राउंड पे खेला जाएगा। और पिछले साल भी इसी तरह एक आधा मैच जीते थे, बाकी मैच हारे थे, बट हर साल वैसा कर नहीं होता तो इतनी कोई ज्यादा खुश होने वाली ये बात नहीं है, जस्ट ऐसे ही मैंने कहा बताता चलूं। बाकी नोकिया के आने से आपकी टीम की बॉलिंग तो कुछ ना कुछ तो बेहतर होगी, व्हाट डू यू थिंक? और फिर आपका देखिए कंपटीशन अब ऐसा होगा कि बॉलिंग से ज्यादा हमारा कंसर्न है बैटिंग। तो ये मिचेल मार्च अपने लिए बॉलिंग बैटिंग दोनों से इतना कमाल करता है कि आज ऑस्ट्रेलिया का टीम का वर्ल्ड टी20 में कप्तान बन गया। वार्नर तो बैठे बेचारा हमेशा ही फुल देता है, ऋषभ पंत उस दिन बड़ा गंदा आउट हुआ है। ये बाकी जितने भी इनके हैं इनको समझना पड़ेगा कि भाईजान सुकून से खेलें, आराम से खेलें, जल्दबाजी ना करें। और देखिए कोई बहुत ज्यादा स्कोर नहीं था, लखनऊ वाला जो मैच था लास्ट इनका इधर ही इन्हीं के घर में हुआ राजस्थान वाला मैच, वो भी करीब पहुंच गया था, लेकिन वही लखनऊ वालों ने भी वो अपना खेल, राहुल साहब भी उस तरह की जो लास्ट मैच दिल्ली खेला है, दिल्ली मजा नहीं आया। आप सही पूछे, पंजाब से दिल्ली फंसा रहा था, लेकिन अगर बीच में ये मिचेल मार्श वगैरह जैसे ही अपने मुल्क के उससे आधी परफॉर्मेंस दे देते तो दिल्ली ना हारता। तो दिल्ली, मेरा जाती ख्याल है कि एक मैच से दिल्ली को कोई ज्यादा आप नीचे जो ले जा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। आज मेरा ख्याल है दिल्ली बहुत अच्छा करेगा, दे विल बाउंस बैक इन रियल स्टाइल, ऑल्दो दे आर प्लेइंग एट द बैकयार्ड ऑफ राजस्थान रॉयल्स, एंड राजस्थान रॉयल कैप्टन वॉज अमेजिंग, इवन पराग वॉज वेरी गुड। फिर आप देखे ऊपर से ही विकेट ले गया था बोल्ड, फिर उनके पास बॉलिंग में अश्विन है, चहल है, सो यू हैव अ लॉट ऑफ डेप्थ इन योर बैटिंग एंड बॉलिंग बोथ, ऐसा नहीं है। बटलर की फॉर्म बहुत कंसर्न है, जायसवाल ने पहले बॉल से मिडल शुरू किया, जल्दबाजी कर गया, लालच कर गया, आउट हो गया। लेकिन इसका ये कतन मतलब नहीं है रिजवान साहब कि ये हर मैच में जो है जल्दबाजी करेंगे, यानी ऑन पेपर दिस इज अ 70-30 मैच, 70-30 इन फेवर ऑफ द होम टीम राजस्थान रॉयल। लुक एट देयर बैलेंस, लुक एट देयर स्क्वाड, थोड़े ज्यादा दे दी है आपने 70। नहीं, मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, आप कम कर दें, मेरा ख्याल है ये मैच ऑन पेपर, बात हो रही है ऑन पेपर की 70-30 है बजायर, क्योंकि जो दिल्ली की फॉर्म है वो मजे की नहीं लगी हुई। लेकिन ऋषभ पंत है, बेशक टी20 में उसने भी वो नहीं कारनामे दिखाए हुए, बट ही इज मोर देन केपेबल ऑफ, ही वॉज स्ट्राइकिंग द बॉल गुड,
ऑब्वियसली इंटरनेशनल वापस आना और ये आईपीएल दुनिया की सबसे बड़ी लीग है, एक आध मैच में अगर ये नहीं भी करेगा ये करेगा, यू नेवर नो। आज का ऑन पेपर राजस्थान रॉय बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऑन ग्राउंड व्हेन इट कम्स टू ग्राउंड देखते हैं। सैमसन इज अ गुड कीपर, अ गुड कैप्टन, बट लेट्स सी क्या आज क्या होता है। देखिये ठीक है, आपने 70-30 दिए, मुझे लगता है मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा है, वरना है तो एडवांटेज थोड़ा सा बिल्कुल राजस्थान रॉयल्स को है। तो T20 का गेम मेरे ख्याल में 55-45 इतना स्लाइट सा एडवांटेज है, ऐसा नहीं है कि इतना ज्यादा एडवांटेज। और उस दिन के मैच में भी कंपीट किया लखनऊ ने अच्छा, एंड पे जाके फिर जाहिर है कि काम खत्म हो गया। अभी अगर बात करें इसकी दिल्ली कैपिटल की, तो अब आप बताइए कि आपका जब नोकिया वापस आ जाएगा तो आप किसको बाहर बिठाएंगे? आप शाही होप को बिठाएंगे या स्टब्स को बिठाएंगे? व्हाट डू यू वांट? क्योंकि ऊपर से दो जगह तो पहले ही ऑक्यूपाइड है, वार्नर और मार्श की। वो देखिए, शाही होप ये इंडियन कंडीशन है, ये वेस्ट इंडियन कंडीशन नहीं है, आई एम सॉरी। वो उससे अगर मेरे हाथ में होता, मेरे हाथ में होता तो मैं मायर्स को लेता रादर देन शाय हो। आई वुड हैव टेकन मायर्स अगर मेरे हाथ में होता। मैं एक मिसाल दे रहा हूं, वेस्ट इंडियन इन दो में से लेना होता, बॉल भी बेहतरीन करता, बैटिंग भी खौफनाक। लखनऊ ने लिया हुआ ना, तो यार मैं मिसाल दे रहा हूं ना कि अगर मुझे एक जैसे दो प्लेयर लेने होते तो ये एक जैसे प्लेयर है, लेकिन मायर्स इससे बहुत आ गया। स्टब्स भी कोई बड़े मजे का नहीं खेला, मतलब है ये नहीं है, वो नाम बहुत ऊंचा है, अभी तक दर्शन जो है ना वो नजर नहीं आ रहे बड़े वाले। आई विल स्ट्रेट अवे सिट आउट अपना शायो, गिव अनदर चांस टू स्टब्स एंड नोकिया स्ट्रेट फॉरवर्ड इन आता है। ऑब्वियसली 150 प्लस की या 140 मिड की जो स्पीड है, पेस जो है वो हमेशा मैटर करता है। आप उमरान मलिक दूसरा सीजन है, एक ओवर देंगे तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट करेंगे? तो मेरा ख्याल है कि ये नोकिया अंदर आएगा और शायद वो बार होता है स्ट्रेट अवे। नोकिया कीपर पंत मौजूद है, हैं कीपर पंत मौजूद है, अगर पंत ना कीपिंग करता फिर मसला था, कीपर कौन होगा? तो नोकिया दोस्तों जरा लेट उसने ज्वाइन किया है, बिकॉज ही बिकेम फादर, उसका पहला बेबी है वो, जाहिर है कि उसकी मिसेज शी वाज प्रेग्नेंट, तो पहला बेबी उसका हुआ है, तो इसलिए वो लेट उसने ज्वाइन किया है। तो अभी वो इज अवेलेबल, एक दो दिन पहले पहुंच गया, ट्रेनिंग शेनिंग की है और आज के मैच के लिए जाहिर है कि वो अवेलेबल है। सो व्हेन ही इज अवेलेबल देन ही शुड बी देयर इन प्लेइंग 11। और ईशांत शर्मा भी दिल्ली कैपिटल की हम बात कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो आपको पिछले मैच में जरा पांव उसका मुड़ गया था ना, वही ना, वो दो ओवर उसके भी कास्ट किए दिल्ली को, तो ही इज ओके, ही इज फाइन, ही इज फिट टू प्ले और he's available for the selection. तो ये भी अच्छी बात है उनके लिए, दिल्ली कैपिटल के लिए। बाकी देखें ऊपर से जो जगह है इनकी, मिच मार्श की और वार्नर की, हालांकि पृथ्वी शॉ है बट सौरभ गंगुली also said that okay we will continue with this। उन्होंने बैक किया इस ओपनिंग पेयर को, तो मेरे ख्याल में एक आधे मैच के बाद तो कोई भी नहीं चेंज करता फिर, तो बैकिंग रहेगी। और उनका कहना कि ये तो देखें ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग करते रहे, और वो की भी है, जो वर्ल्ड कप इन्होंने जीता था उसमें भी ओपनिंग की थी इन्होंने, सो दे आर गुड और ऑन गिवन डे दे कैन बी वेरी डेंजरस नो डाउट। लेकिन दिल्ली कैपिटल का अगर आप देखें जो मसला रहा है, जो पिछले साल भी था और अभी पहले मैच में भी थोड़ा सा नजर आया, पिछले साल वो जो अभी कलकत्ता नाइट राइडर्स में चला गया फिल साल्ट, वो भी इन्हीं की टीम में था, ऊपर से तो बहुत एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिल जाता है, मतलब फैंटी ठीक किस्म की लग जाती है दूसरी टीम को, बट द मोमेंट पावर प्ले एंड्स और एक दो विकेट गिरती हैं तो वो T10 से T20 का मोड भी नहीं आता, वन डे का मोड शुरू हो जाता है। ऊपर से एक्सप्लोसिव बैटिंग, लेकिन वो थ्रू आउट द इनिंग भी कुछ देखना है कि नहीं देखना, तो फिर दूसरी टीमें सॉरी दूसरी टीमें इन पे ब्रेक्स लगवा देती थी इनकी ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स, उसमें भी ये गिरते पड़ते करते मरते एंड पे पूरे ओवर ही बड़ी मतलब खींच खाच के निकालते हैं, तो इनको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगी अपनी इनिंग्स।
ऊपर से इतना एक्सप्लोसिव है तो मिडिल ओवर्स में भी स्टीम है भी। ना दे रहे दे शुड नॉट बी आउट ऑफ स्टीम को तीसरे नंबर पे ले आए क्या फर्क पड़ता है। हाँ ऐसा कुछ करें तो दे शुड नॉट बी आउट ऑफ स्टीम ड्यूरिंग द मिडिल ओवर्स इट्स क्रूशियल व्हाट आई एम टॉकिंग। ऊपर से आप तेज खेलते हैं एक दो विकेटें गिरती हैं बिल्कुल आप मतलब ठंडे हो जाते हैं तो ये जो इंजन है चलते रहना चाहिए। कल जैसे हार्दिक पांड्या ने आके स्टीम खींच दी बीच में से और चेन खींच दी ट्रेन की हालांकि वो बच्चा पार्टी जो है वो दौड़ा रहे थे इंजन को मुंबई इंडियन के। दिल्ली कैपिटल के साथ यही मसला है ऊपर से एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिलता है मिडिल ओवर्स में दे जस्ट स्ट्रगल और पेस को ये मेंटेन नहीं कर पाते और फिर एंड पे जाहिर है कि कॉस्ट करता है। ओवरऑल अभी डेविड वार्नर मिच मार्श सो लेट्स सी अब ये दोनों में से किसको रखेंगे स्टब्स या शाई होप को। बाकी आपको पता ही है दोस्तों कि अगर आप चार फॉरनर प्लेयर टीम में डाल देते हैं तो फिर आप इंपैक्ट प्लेयर जो है वो फॉरनर नहीं ले सकते ठीक है ये भी एक बात है अगर आपको पता ही होगा आप तो चल रहा है पिछले साल भी था अभी भी है ये रूल। तो अगर आपने प्लेइंग 11 पे जब आप टीम शीट्स देते हैं एक दूसरे को कैप्टन को एक्सचेंज करते हैं तो अगर आपने चार फॉरनर्स प्लेयर्स अपनी प्लेइंग 11 में डाल दिए तो फिर आप इंपैक्ट प्लेयर कोई लोकल प्लेयर ही लेंगे आप कोई फॉरनर प्लेयर नहीं लेंगे। तो अब मेरे ख्याल में दे शुड कीप द ऑप्शन ओपन एट द बिगिनिंग या टॉस पे इनको तीन ही बंदे रखने चाहिए फॉरनर नोकिया और ऊपर से दो और एक ऑप्शन इनको छोड़ना चाहिए। अगर तो विक्टेन की ठकाठक गिर गई तो फिर मेरे ख्याल में शाई होप ज्यादा बेहतर ऑप्शन है वो इनिंग्स को आगे थोड़ा लेके जाता लेकिन अच्छा एक्सप्लोसिव स्टार्ट मिला और मिडिल ओवर्स में फिर जरूरत महसूस नहीं हुई कि नहीं जी हमें अब उस फेज की जरूरत नहीं है कि इनिंग्स को आगे लेके जाना है और बेशक एक प्लेयर थोड़ा टाइम लेके भी खेले अगर वैसी नौबत नहीं आती तो फिर स्टब्स को डाल दें। और वैसे तो इनका इंपैक्ट प्लेयर पोरेल आपको याद ही है पिछले मैच में क्या कमाल उसने एंड पे हिटिंग की थी मोसन साहब बहुत अच्छा पोरेल ऐसा मतलब कमाल के चौके छक्के और बहुत ही बेहतरीन किस्म की उसने हिटिंग की थी आखिरी ओवर में भी 22-24 रन डाले थे और उसने बहुत एक रुका हुआ टोटल था उनका भी क्या कहते हैं इन्हीं का ये क्या कहते राजस्थान रॉयल्स का तो आगे फिर वो दिल्ली कैपिटल का सॉरी दिल्ली कैपिटल तो अभिषेक पोरेल ही वाज लुकिंग गुड टू रिकी बॉयज आप तो अभी तक पता नहीं कुछ करेंगे ना करें उस दिन तो बेकार से खेले और कुलदीप यादव मुकेश कुमार नोकिया खलील अहमद ईशांत शर्मा ये सारे दे आर अवेलेबल सो लेट्स सी कि क्या बनता है। बॉलिंग अटैक का आपका कैसा लग रहा है जी नोकिया के अलावा? नहीं बॉलिंग अटैक ईशांत आ जाए तो देखिए नोकिया नहीं भी था तो हमारे बॉलिंग बहुत अच्छी थी। ईशांत की इंजरी ने वो दो ओवर ने पंजाब बच गया वरना ये शायद निकाल जाते मैच। तो ईशांत के आने से नोकिया के आने से बॉलिंग अटैक इज गुड नो डाउट अबाउट दिस और मिचेल मार्च बीच में कुछ ओवर निकाल जाएगा बाकी ठीक है बॉलिंग इज नॉट बैड गुड बॉलिंग है दिल्ली की। बैटिंग का थोड़ा सा होता है ये बीच के ओवर आपने बिल्कुल सही मेंशन सूर्या की कमी हुई है रोमारियो शेफर्ड को भी पहले भेजना चाहिए मजा आ जाता। ट्राइबल बॉय चितेशगढ़ से मैसेज किया जनाब ट्राइबल बॉय दोमन दीवान जी हाँ यार उसकी कमी पहले ही बताया था अभी थोड़ा बाहर रहेगा अभी एनसीए से क्लियरेंस नहीं आई ये बात देखे रोमारियो शेफर्ड हमने देखा है लॉन्ग हैंडल यूज करता है हमने बहुत देखा है इसको अच्छे लंबे छक्के मार लेता है लेकिन यार हार्दिक पांड्या से बड़ा प्लेयर तो नहीं है ना हार्दिक पांड्या से बड़ा प्लेयर तो नहीं है। अगर हार्दिक पांड्या 20 में 24 करेगा तो ये तो बड़ी अजीब सी और बड़ी खौफनाक सिचुएशन है टीम इंडिया के लिए भी अच्छी नहीं फिर तो दुबे बिल्कुल उसके ब्रीदिंग राइट इज नेक फिर तो दुबे का भी बात हो रही है। रोमारियो शेफर्ड देखे अगर आपके पास हार्दिक पांड्या है मैं तो टीम डेविड से भी पहले हार्दिक पांड्या को भेजूंगा रोमारियो शेफर्ड तो छोड़े। जी सूर्य कुमार यादव की कमी इनको
बहुत खल रही है और अब दो को मैच तो वो और भी मिस करेगा क्योंकि अप्रैल के पहले हफ्ते के बाद सुनने में आ रहा है कि वो आएगा, तो दो से तीन मैच हो जाएंगे तब तक इनके, तो कमी उसकी है। जो कि दुनिया का नंबर वन रैंकिंग बैट्समैन है तो क्या उसकी कमी महसूस नहीं होगी? जाहिर है उसकी कमी महसूस होगी। कल वाला मैच था कि इन्होंने बहुत ही मिस किया उसको, 40 गेंदों पे 100 भी कर सकता था जो उसमें सलाहियत है, यू नेवर नो, तो उसको बहुत इन्होंने कमी महसूस की। वो नंबर बच्चे को खिला रहे हैं, ठीक है 10 गेंदों पे 20, 12 13 गेंदों पे 30, ही इज डूइंग इट। लेकिन फिर सूर्या कुमार यादव, तो देखिए सूर्या कुमार यादव है नंबर वन रैंकिंग का, दुनिया का बैट्समैन है, इंडिया का नहीं दुनिया का, और वन डाउन खेलने आता फिर भी 180-90 का स्ट्राइक रेट मेंटेन किया हुआ, तो उसकी कमी बहुत इनको महसूस हो रही है। ये बात आपकी ठीक है, एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्यू थिंग्स, दैट्स व्हाई मैंने अभी बोला कि अभी भी मुझे यकीन है कि ये मुंबई इंडियन जाएगी प्लेऑफ में। उसमें एक फैक्टर ये सूर्या कुमार यादव का भी है कि जब ये वापस आएगा तो टीम इनकी और भी अच्छी तगड़ी हो जाएगी, एक ये फैक्टर है। दूसरा हार्दिक पांड्या कुछ स्ट्रेंज चीजें कर रहा है, ही शुड कीप द थिंग सिंपल, बाय सेइंग कीप द थिंग सिंपल आई मेंट कि बुमराह को ऊपर से ओवर करवाए एंड तक रोकने का। कल भी मैंने एक बात की थी कि जब आपने 10 ओवरों में 150 खा लिया तो टेक्निकल यू आर आउट फ्रॉम द गेम, तो उसके 3 ओवर फिर बाद में करवाने का क्या फायदा, तुम पहले करवाओ, शायद कि वो जो मार रहे हैं आउट हो जाएं, विकेटें गिर जाएं, या विकेटें गिरी हो तो तुम जो हल्के बॉलर हैं उनको भी ले आओ, वो भी निकाल लेंगे ओवर। तो कॉमन सेंस शुड प्रिवेल। और फिर बैटिंग में जो कल पांड्या ने कर दिया हिसाब किताब, और पहले मैच में टीम डेविड शेवर्ड ने, तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है। बट आई बिलीव कि मुंबई इंडियन उठेगी इसी टूर्नामेंट में दोबारा। अभी तो लोग चलो हरा के खुश हो रहे हैं इनको, लेकिन वो मौका आएगा जब ये भी हराएंगे दूसरों को। ऑफ टॉपिक पूछ रहे हैं मिस्टर बॉन्ड 007, व्हाई आर देयर 8 टीम्स इन पाकिस्तान डोमेस्टिक स्ट्रक्चर, 240 मिलियन पॉपुलेशन वाले कंट्री विच द वी प्लस टीम होनी चाहिए। लव बो जीनियस नहीं, पहले 6 सी होते बता दी, इमरान खान तो इन्होंने भी कट कर रहा है कि बहुत ज्यादा ने, बहुत ज्यादा। देखिये इंडिया में 40 टीमें खेलती हैं, इनको पता ही नहीं है पॉपुलेशन का, इससे कोई आपने मियार अच्छा करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा करें, ग्राउंड अच्छा करें। बहरहाल अब आपने पाकिस्तान के वाले से बात कर दिया तो बाबर अभी आ गया, पहले मोहसिन नकवी से मुलाकात हुई है लंबी, अभी वो माँ बाप के साथ है, और आपने वो आजम खान वाली बात कर दी, तो फिटेस्ट जो है वो इरफान न्याजी है जो बच्चा, बाकी ये बेचारा आजम खान तो पहले ही ठुस कर गया, 2 बजे से भगाना शुरू करते हैं यार, कोई रमजान में कोई मेरा मतलब है कोई मेहरबानी कर दें, अब बेचारे नहीं भाग सकते या नहीं कर सकते। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला कल डिस्कस किया था वो है उस्मान खान का, एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने उसके नोटिस पे नोटिस ले लिया कि ये 14 महीने रह गए थे, इतना बेवकूफ है, T10 और ये बाकी लीग जो है एज ए लोकल प्लेयर खेल रहा था, अब ये अगर बैन लग गया रिजवान इसका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, और ये यकीन कर रहा है पीसीबी पे, मैं पीसीबी पे ट्रस्ट कर रहा था ये, आज वो उसने दानियाल ने डाली है स्टोरी भी इस पे, तो अगर बैन कर दिया तो यूएई में दाखला भी बंद, रोटी पानी की भी, बेशक ऊपर वाला रिस्क देता है, लेकिन आपने यार इतना बड़ा स्टेप लिया और वह भी इन लोगों के कहने पर, बहुत बड़े खतरे में आ गया उस्मान, जिसने भी इसको मशवरा दिया भाई ये खेला है सारा लोकल प्लेयर के, सारी लीग बंद हो जाएंगी इसकी डोमेस्टिक की, जितनी ये वहां ऐसे लोकल खेल रहा था, और पता नहीं कितना बड़ा बैन लग जाएगा, जो रेजिडेंसिया इसका बन रहा था वो खत्म हो जाएगा, अब ये ना बीच इधर का ना उधर का, बहुत बड़ी गलती कर गया, इसे चाहिए था 14 महीने सब्र करता छोड़ता, ये अगर न्यूजीलैंड के खिलाफ खिला भी लिया और खुदा ना खास्ता परफॉर्मेंस ना आई, रिजवान वर्ल्ड कप तो इसका बढ़ गया, इसका पूरा कैरियर बढ़ गया, फिर ये क्या करेगा, फिर अमेरिका में ही जाके कोई लीग वीग खेले तो खेले, यूएई तो ये बिल्कुल ऑन वर्ज ऑफ रिप्रेजेंटिंग यूएई टीम था, और ये सारा इसने अपने साथ जुलम कर लिया।
Well, I see it otherwise. UAE कौन सा कोई वर्ल्ड चैंपियन है? पता नहीं कोई कितने साल में कोई आप कौन से वर्ल्ड चैंपियन है? मतलब पाकिस्तान और यूएई का एक ही रोल है वो यार, खेल तो लेता ना वहां वहां पे इस तरह सांचे नहीं है, कल भी पता लगेगा कौन है बोर्ड में पाकिस्तान की बोर्ड में। हमने जीता नहीं टी20 वर्ल्ड कप यार, जब जीता था 2009 थी, इंडिया ने कब जीता 2024 है, इंडिया ने कब जीता था 7 में तो हमने 9 में, बात इंडिया की आ रही है पाकिस्तान की, तो आप कह रहे हैं ना कब जीता था, तो नहीं, बात इंडिया की आ रही है पाकिस्तान की, आप इंडिया से पाकिस्तान क्यों मिला रहे हैं? इंडिया बात नहीं कर रहा, बात जो आपने आर्गुमेंट दिया उसकी बुनियाद पे कह रहा हूं, भाई कब जीतेगा, इसका फ्यूचर सिक्योर होता, इंस्टेबिलिटी नहीं होती, मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ। आपने कहा कब जीतेगा, मैं तो कल पता नहीं कौन आ जाए, मैंने कहा जी यूएई तो आपने सडनली कहा था, पाकिस्तान कौन सा चैंपियन है, मैंने उस पर बात बोली आपको भाई जान, यूएई इसलिए कहा वहां स्टेबिलिटी है, मैं चैंपियन की बात नहीं कर रहा। ओ भाई वहां पे क्या स्टेबिलिटी है, 4 मैच वो साल में खेलते हैं। ओ यार रिजवान साहब अभी आहिस्ता देखे, मैच लीग कितनी है, दो बातें मिक्स हो रही है भाई जान, दो बातें मिक्स हो रही है, स्टेबिलिटी है, अच्छा है, डेवलप्ड है, सब कुछ है, ये वो है, लेकिन जिसमें थोड़ी सी भी कॉमन सेंस होगी क्रिकेटर में वो एक एस्टेब्लिश टीम चुनेगा, उसको ऑप्शन दिया जाए कि एक एसोसिएट टीम का हिस्सा बनना है या एक रिनाउन टीम का हिस्सा बनना है। तो जिसमें थोड़ी सी भी सेंस होगी ही विल पिक कि जिस टीम का कोई नाम है, कोई मुकाम है, वो पाकिस्तान के मुकाबले में ना अफगानिस्तान को पिक कर लेगा, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी नहीं है यहाँ, यहाँ पता ही नहीं है, जो जितना बकवास करता है वो बोर्ड में आ जाता है। मैं एज अ प्लेयर बात करूं, प्लेयर को क्या फर्क पड़ता है, प्लेयर को फर्क पड़ता है ना, प्लेयर ही को तो फर्क पड़ता है, और किसको फर्क पड़ता है। बहरहाल ठीक है, लेट मी कंप्लीट, आपने 2 मिनट इस पे बात किया, लेट मी टॉक, ओके फिर मैं इस पे जवाब दूंगा। हाँ तो यू में देखें जी, जो भी क्रिकेटर है जिसमें अगर उसको उम्मीद है कि वो पाकिस्तान की तरफ से अगर मौका मिलेगा खेल जाएगा और अगर अच्छा परफॉर्म कर गया तो आगे जाके वो जाहिर है फिर कंसिस्टेंट बेसिस पे भी खेल सकता है। अभी यहाँ पे वो यूए की टीम में जिस तरह का इसका टैलेंट है, ये तो सारे मैच ही खेल जाएगा वहां पे, उनकी टीम का आगे जाके शायद कैप्टन भी बन जाए, जितना इसमें टैलेंट नजर आ रहा है, जितना ये 40-50 गेंदों पे 100-100 कर रहा है, तो यूए की टीम में जाएगा, शायद आगे जाके कैप्टन भी बन जाए। लेकिन एट द मोमेंट पाकिस्तान की टीम की तरफ से खेलते हुए अपनी टीम में जगह बनाने के लिए वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है कि ठीक है यार यूए का यहाँ पे अब मुझे उम्मीद नजर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से खेलने के लिए, तो मैं वो भाई रिस्क ही ले रहा है ना, जुआ ही खेल रहा है ना, कि ठीक है मैं वो सब छोड़ रहा हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो उसको चांस मिलने की उम्मीद है कि मैं कंसिस्टेंट बेसिस पे शायद जगह बना लूं, वो इसको प्रेफरेंस दे रहा है ओवर वो सब कुछ छोड़ रहा है, तो वो बेवकूफ तो नहीं है, उसको पता है कि जी पाकिस्तान की टीम का एक नाम है और मुकाम है। पाकिस्तान की टीम कितने 70 साल से खेली है, यूएई की तो अभी किसी वर्ल्ड कप में होती किसी में बाहर हो जाती है, अभी नेपाल ने हरा के बाहर कर दिया, अभी वर्ल्ड कप का भी हिस्सा नहीं होगी, तो वो यूएई की टीम का मेंबर बन के क्या उधर लोकली खेलता रहेगा या इंटरनेशनल लेवल पे भी जाके कोई खेलेगा? यूएई का तो हम ऐसे कह रहे हैं जैसे कि पता नहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम का वो मेंबर बन जाएगा। यूएई तो अभी वर्ल्ड कप में भी नहीं है टी20 वाले में, तो लोकल जो एशिया के ये जो बच्चे खुचे होती है टीमें इनके साथ खेल कूद के जी उस्मान खान साहब कितना को बड़ा नाम बना लेंगे। लास्ट टाइम आप बताएं जितने लोग देखने हैं, आपने वर्ल्ड कप के अलावा यूएई का कौन सा पूरा मैच देखा है? आपने याद भी आया आप किसी को कि वो किससे खेलता है, कब खेलता है, क्यों खेलता है? किसी को पता भी नहीं है बनिस्बत के पाकिस्तान की टीम। तो ये सारी चीजें हैं, वो इतना बेवकूफ नहीं है कि वहां पे सब कुछ छोड़ के भी यहाँ पे वो कोशिश में लगा हुआ को मौका मिल जाए। बात खत्म होगी, अभी मेरी बात सुन लें, जो आपने आर्गुमेंट दिया है मैं आपको 2 वर्ड्स में इस आर्गुमेंट को खत्म कर देता हूँ। यूएई में से की वजह से वो पाकिस्तान सुपर लीग में, वरना तो इसे घर वाले भी नहीं खिला रहे थे, तो आ गया यूएई की वजह से। टिम डेविड पीएसएल ने ब्रांड बनाया, सिंगापुर की टीम में खेल रहा था, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने उठा लिया, तो तरक्की हो गई। आप अगर पाकिस्तान के पाकिस्तानी बन के सोचेंगे फिर तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अगर आप जैसा बंदा ये बात करे जिसे डायनेमिक्स पता, क्रिकेट बोर्ड का पता, लोगों का पता, माहौल का पता, हालात का पता, हर चीज का पता है, अगर वो ये बात कर रहा है
तो फिर मैं अब इस पे क्या बोलूं? रिजवान साहब वहां पे गारंटी तो थी ना कि क्रिकेट खेलेगा, यहाँ पे ये जितना अच्छा परफॉर्म करेगा, आपको पता है यहाँ पे लेग पुलिंग क्या है, यहाँ पे किस तरह की माफिया बैठी है, ये चीजें ध्यान में रखें। क्रिकेट कहाँ खेलेगा? यूएई किसके साथ खेलता है? हाँ, पाकिस्तान किसके साथ खेलता है? सी डी ई टीमों के साथ, सारी टीमों के साथ खेलता है, दुनिया की सारी टीमों के साथ। कोई दुनिया की टीम अच्छी नहीं, ये भी न्यूजीलैंड आ रही है, न्यूजीलैंड की क्या टीम आ रही है? यूएई वर्ल्ड कप खेलेगा यार, बाढ़ में जाए वर्ल्ड कप, अब तक फ्यूचर होगा ना, फ्यूचर होगा अगले का, यहाँ क्या फ्यूचर? वर्ल्ड कप की टीम खेल रही है, टीम दो टीम का हिस्सा बन के टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है, किसी डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा है, मेंबर बन गए, टेंडर कॉन्ट्रैक्ट है, जॉब कर रहा है, क्या करेगा? व्हाट विल ही डू? आ जाएगा तो सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ये बड़े जालिम है, जो कि वर्ल्ड कप में 20 टीम है, पीसीबी वाले वर्ल्ड कप में कितनी टीम है इस दफा बताएं आप? 20 टीम है, तो जो 20 में भी नहीं है तो उस टीम का हिस्सा बन के आगे क्या करेगा वो? बट इट हैड नथिंग टू डू विद दिस, जो मैं बात कर रहा हूँ उसका वर्ल्ड कप से कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? वो कौन सा टीम डेविड की आपने एग्जांपल दी, वो ऑस्ट्रेलिया। यू गारंटी उस्मान खान विल बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड? गिव मी गारंटी उस्मान खान विल बी इन द वर्ल्ड कप स्क्वाड, गिव मी गारंटी। उसने जुआ लिया है, उसने एक रिस्क लिया, वो जाने उसका काम है। मैं जो बात कर रहा हूं आप वो नहीं कर रहे। मैंने तो यही बोला कि अगर वो रिस्क लेने को तैयार है अपना सब कुछ छोड़ने के लिए यूएई का, नॉट वर्थ टेकिंग, पाकिस्तान नहीं है वर्थ टेकिंग। दुनिया की अगर आप बात करें मैं आपके साथ हूँ, पाकिस्तान दूसरे बंदे को मिल जाता है पासपोर्ट उधर का, यूएई का वो रेजिडेंस वगैरह, वो कौन सी कोई बड़ी बात है? किसको पासपोर्ट मिल जाता है भाई? और रेजिडेंस की बात हो रही है ना, और रेजिडेंस मिल जाती है ना, कोई टैक्सेस है ना, कोई हराम की कमाई है ना, खून चूसते हैं, सही है ना, और क्या करें वो, या तो आप हर चीज भरते हैं। तो वो उस टीम का हिस्सा बनके जो कि वर्ल्ड कप में भी नहीं है, वो नेपाल के अभी एक बंदे ने पता नहीं कितना गेंदों पे 50 करके रिकॉर्ड तोड़ा है उसका, युवराज सिंह का, जो 12 गेंदों पे 50 था, 9 बॉलों पे। हाँ, वो उनका ऑलराउंडर है, क्या नाम है उसका? नाम भूल गया हूं मैं। हाँ, मैं भी भूल गया। क्यों? तो क्यों? क्योंकि हल्की टीम से की तरफ से खेल के रिकॉर्ड बनाया, समझ आ गई आपको? श्रीलंका भी हल्की टीम होती थी, जिम्बाब्वे भी हल्की थी, कीनिया भी हल्की होती थी, सारी हल्की होती थी, आज ये सारी दुनिया क्रिकेट में आपसे आगे है। तो 9 गेंदों पे उसने 50 किया, नाम ये भी भूल गया, नाम मैं भी भूल गया। तो ऐसी टीमों की तरफ से खेल के 9 गेंदों पे 50 भी हो जाए तो भी इंसान भूल जाता है भाई जान, ऐसा प्लेयर आगे जाता है, ऐसा प्लेयर देखे, छोटी टीम से आएगा, टीम डेविड सिंगापुर से आया, ऑस्ट्रेलिया रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया सुने, नीदरलैंड से वो आया, वो क्या था वो डक, वो लेफ्ट हैंडर बॉलर, साउथ अफ्रीका से आया, नीदरलैंड खेला वो मैडम, वो देखे कहां से कहां। तो अब आप मेरी वाली बात कर रहे हैं ना, जो मैं बात कर रहा हूँ, तो भाई यूएई से नाम मिला ना, मेरी बात यूएई से मिला, आपने खिलाया, सिंगापुर से आया, ऑस्ट्रेलिया गया, वो डर्क नैनेस की भी आप बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया गया, तो ये ऑस्ट्रेलिया तो नहीं जा रहा, ये तो यूएई जा रहा है भाई जान, यूएई से आपने उठाया ना, आपने तो नहीं बनाया उस्मान खान को, मतलब जो हल्की टीमें हैं उनसे खेलते हुए अगर आप वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दें तो आपको रिकॉग्निशन, हल्की टीमों से टीम डेविड गया, हल्की टीमों से वो डेनिस गया, तो किधर गया है? ऑस्ट्रेलिया गया ना, तो ये भी ऑस्ट्रेलिया चला जाए, तो ये भी जाएगा ना, ये यूएई जा रहा है फिलहाल, ये पागल है। टीम डेविड खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया में, डर्क नैनेस खेला ऑस्ट्रेलिया में, तो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं जा रहा, तो यही बात करने का मकसद भाई है, ये कब्रिस्तान में अपने लिए आ रहा ना, ये बेवकूफ है, 50 पे भी अगर ये 100 कर देगा तो रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी, नेपाल वाले चले, ये अल्लाह करे बेचारे का दुखद मिला, मेरी दुआ खुदा करे ये आगे जाए, 9 पे 50 करने के बाद भी हमें पता नहीं है कि उसका नाम क्या है, यही वजह है कि भाई छोटी टीमों से खेल के आप रिकॉर्ड रिपोर्ट बना लोगे तो लोग वो भी भूल जाएंगे, तो इसीलिए वो
चार है कि जी मौका मिल जाए पाकिस्तान की तरफ से। एनीवेज अमन शर्मा जी कहें जनाब मसन आपने ही नीता जी को समझा सकते कि आपके पास नंबर है, नहीं तो या सिमर जी को बोले पे अमन शर्मा फोन करके समझाना यार। एक जवाब दे तो एक एक मेरे पास तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह आपको चुभी ना मेरी बात। तो नीता अंबानी के आप जो शोफर हैं या उनके ड्राइवर हैं या उनके पर्सनल सेक्रेटरी हैं तो उनको मेरा मैसेज देना 36 साल का तजर्बा, आपकी उम्र 36 दिन नहीं होगी, तजर्बा है ना, मेरी बात पहुंचती है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस चैनल को दुनिया देखती है, चोरी करके ले जाती है ना। और रिजवान साहब ट्रेड शुरू होने वाला है, कल आपने कहा था ना किसी वक्त भी ट्रेड ओपन हो जाएगा पाकिस्तान इंडिया का, ये याद रखिएगा मैंने आपसे कल कहा था। और दूसरी बात और एक और बात बता दूं, ये हम जो इस चैनल पे बात करते हैं चले बहुत बड़ा तो प्लेटफॉर्म शायद कुछ के लिए ना हो, लेकिन जहां ये बातें जो है अल्लाह का शुक्र है इंडिया का सबसे बड़ा चैनल जो है स्पोर्ट्स तक, वहां पे ये बातें की जाती है इज्जत एहतराम से, तो इज्जत और एहतराम ना आप छीन सकते हैं ना खरीद सकते हैं। MWL साहब कह रहे हैं जनाब ऑफ टॉपिक जस्ट जॉइन, व्हाट आर द चांसेस ऑफ पंत इन द वर्ल्ड कप? वेल इट विल डिपेंड ऑन हिज परफॉर्मेंस एज परफॉर्मेंस, ये देखें आप सबके लिए है ना परफॉर्मेंस ट्रू। अब विकेट कीपर जो है ना एट द मोमेंट वो ऐसी प्लेस नजर आ रही है इंडिया की टीम में के जिस पे डिबेट हो सकती है कि कौन होना चाहिए कौन नहीं होना चाहिए। तो उसमें देखें आप रिसेंटली इंडिया ने काफी लोगों को चांस दिया, जितेश उसमें एक है, ईशन किशन आजकल जरा इधर उधर हो रहा था, केएल राहुल को आप खिलाते रहे एज अ विकेट कीपर, उसकी भी अपनी परफॉर्मेंस को देखा जाएगा, ऋषभ पंत भी लाइन में लगा हुआ है, तो इट ऑल डिपेंड्स दैट हाउ दे परफॉर्म। ये IPL इनके लिए सॉर्ट ऑफ लिटमस टेस्ट है, तो इसमें अच्छा करेंगे तो कोई बात बनेगी। व्हाट डू यू थिंक? मेरे ख्याल में तो ये विकेट कीपर की जो जगह है अभी तक कोई जो फट करके बंदा बोल दे ये खेल जा रहा है यार, राहुल ने क्यों विकेट कीपिंग की जबकि डीकॉक मौजूद है, उसको अच्छी तरह पता है कि विकेट कीपिंग का वो मैं फिर राहुल द्रविड़ और इनको बनाऊंगा तो जाऊंगा। एक नंबर टू बिल्कुल सच है, संजू सैमसन है, ईशन किशन भी शायद इसी, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर हुआ है इंडिया की नेशनैलिटी से नहीं, जितेश है, जुरैल है, पंत है, इवन केएल राहुल भी ट्राई मार रहा है, तो ये सारे इन रनिंग है। दिल्ली कैपिटल जिंदाबाद, आई एम ओल्ड दिल्ली कैपिटल फैन और ओनली होप ऑस्ट्रेलियंस जो है उन्हीं से होप है आपको, नहीं नोकिया वगैरह से भी आप होप रखें अनुपम जी, दिल्ली की काफी फैन फॉलोइंग है, लेकिन ये भी पंजाब की तरह फैन फॉलोइंग तो काफी है लेकिन कुछ खास कर नहीं पाते। आई थिंक लखनऊ सुपर जॉइंट दिल्ली कैपिटल मुंबई इंडियन फेसेस सेम फेट लाइक KK एंड लाहौर कलंदर, कराची किंग लाहौर कलंदर, यानी एलिमिनेट हो जाएंगी ये टीमें सारी, लखनऊ दिल्ली और मुंबई इंडियंस। नहीं भाई मैंने तो CSK मुंबई इंडियन राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर हैदराबाद को रखा हुआ है, आपने क्या रखी थी भाई? मुंबई सनराइजर हैदराबाद गुजरात और RCB और उसमें से एक RCB या पंजाब में से एक रखी थी हाँ, और एक मुंबई और एक गुजरात हैदराबाद और एक सनराइजर। आपने यानी CSK को स्किप किया है। तो यार मुंबई इंडियन का तो हमने बोला कि जी जाएगी तो अभी उठेगी मुंबई इंडियन, बाकी दिल्ली कैपिटल के नाजुक ही है, इनका कॉम्बिनेशन कोई बहुत अच्छा नहीं है, सॉरी टू से जो इनके फैंस है उनके लिए। बोल से सर अगर ट्रेनिंग देख के क्रिकेट टीम को अगर सुधार सकते हैं तो इसका क्या फायदा होगा, सिर्फ एक तमाशा ही बनेगा? नहीं इससे कोई नहीं सुधार सकता, ये दुनिया में कहीं वरना सारी फिर अमेरिका की तो टीम दुनिया की सबसे बड़ी टीम होती, दुनिया की नंबर वन आर्मी है, फिर तो वहीं होता सारे स्पोर्ट्स, वहीं ट्रेनिंग होती, चाइना की नंबर टू होती वहां पे भी आर्मी ऐसी है, फिर तो हम लोग कहीं सातवें आठवें नंबर की टीम होते हैं क्योंकि इतने ही नंबर पे हमारी आर्मी आती है, ऐसा नहीं होता। इसके लिए देखे राइट मैन फॉर द राइट जॉब होता है, आप कोई इससे मुतलका लोगों को बुलाते हैं उनसे, वो देखे जेसन गिलेस्पी से बात कर रहे हैं, उसकी टीम हर दफा
वो जो ऑस्ट्रेलिया में डोमेस्टिक है हर दफा लास्ट बॉटम फिनिश करती है, उसने रिजाइन कर दिए। देखिए ये तो जब भेज रहे थे हमने आपको तभी बोला था कि आर्मी का जो काम है वो अपना काम करे, प्लेयर्स की जी ट्रेनिंग करानी की करानी है, तो बाकी क्या सारे मर गए जो प्रोफेशनल है, पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटीज डिग्री बांट रही हैं, लोग पढ़ रहे हैं वहां से पढ़ पढ़ा के आ रहे हैं, तो उनका जो काम है उनको लेके आए ना ये। बहरहाल हर चीज में आर्मी को ही लेके आते हैं पाकिस्तान में, या वो खुद आ जाती, विच इज अनफॉर्चुनेट। और जो प्लेयर्स जो हैं उनको प्रॉपर क्वालिफाइड जो ट्रेनर्स हैं उनके हवाले करें। आर्मी क्या बताएगी यार, ये रस्से चढ़ जाओ, ये क्रॉलिंग करके निकल जाओ, ये तेज भागो, ऐसा करो वैसा करो, मतलब पुराने जमाने निकल गए यार, मतलब दुनिया कहां से कहां चलेगी ये। बाकी दुनिया की सारी टीमें आर्मी के पास जाती हैं ट्रेनिंग करने के लिए। जो ऑस्ट्रेलिया इतने वर्ल्ड कप जीत जाता है तो हमें तो आज तक नहीं पता चला कि उनकी आर्मी उनको वर्ल्ड कप से पहले जो है वो दो दो महीने ट्रेनिंग करवाती है। तो यार कोई मतलब क्या करें, यहाँ पे बंदा खुल के बात भी नहीं कर सकता। दिल्ली कैपिटल को टॉप सिक्स बैटर में चार ओवरसीज नहीं कर सकते इस कारण लास्ट मैच में पोरेल को भेजना पड़ा। इंपैक्ट एंड बॉलिंग में मुकेश कुमार नहीं ला पाए जो प्लानिंग थी। दोमन दीवान तो अभी ऐसा कर लें जैसा हमने बताया, हमने तो सलूशन दिया, अभी हमने तो कहा है कि तीन जो हैं वो फॉरेन प्लेयर टीम शीट में उतारें टॉस के टाइम पे, नोकिया और दो ओपनर, बाकी फिर बीच में डिसाइड करें। उसने पीसीबी के ऊपर ट्रस्ट किया है, पीसीबी को वापस देने का टाइम में देखा जाएगा। और मोहम्मद हारिस को लेके बांग्लादेश प्रीमियर लीग में क्या हुआ था मत भूलिए, हाँ उसको वापस बुला लिया था समीरन घोष जी, कह रहे थे जी आपके दो से ज्यादा हो गए हैं। नहीं वो तो ये कभी किसी को दो की ज्यादा था, किसी को तीन की, किसी को चार की, वो तो खैर निजाम हमारा पता ही आपको ऐसे ही है। आई फील छिपरी पांडे विल लूज कप्तानी मिड आईपीएल, नहीं आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा, और ऐसा लग रहा तो नहीं है। इट वुड बी क्वाइट एम्बैरेसिंग इफ दैट हैपेंस। एनीवेज जल्द टाइम खत्म हो गया, तो टीम राजस्थान रॉयल्स के भी बटलर साहब कुछ ख्याल कर ले, बटलर साहब ने बस आज क्या करें बाद में कर ले, पिछले साल ही रन किए थे, पिछले साल भी कख नहीं, अभी भी बिल्कुल ठंडे ठंडे चल रहे हैं, तो कोई खास परफॉर्मेंस है कोई नहीं, 0-0, 1-2, 1-2, 0-0, बस आ रहे तो जा रहे हैं, तो कोई मेहरबानी फरमाए। जायसवाल, संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन कैप्टन, ही इज टू गुड यार, मैं वो आर्टिकल भी पढ़ रहा था वो रिपोर्ट, तो 140 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स के खिलाफ, 1000 से ज्यादा जिन्होंने रन बनाए हैं, तीन चार ही बंदे हैं, एक पूरन है और एक ये है और एक दो और हैं, बट ही इज फैंटास्टिक, आईपीएल में बहुत लाजवाब खेलता है। फिर रियान पराग कह रहे ठीक हो गया, मुझे मजा आया इसकी इनिंग का। हाँ शुभम दुबे वरना आ जाएंगे, शिमरान हिटमायर, जोरेल, अश्विन चाहल, फिर संदीप ने, उसने शर्मा ने तो मैच ही बचा दिया, उसी ने बनवा दिया मैच, बहुत बहुत। ट्रेंट बोल्ट, आकाश खान और बर्गर शर्गर, वैश ने भी बड़ा अच्छा एंड पे ओवर कर गया था, बहुत ही अच्छा। हाँ तो टीम अच्छी है इनकी, अच्छा मैच होने की तवक्को है, स्लाइड एडवांटेज विद द होम टीम व्हिच इज राजस्थान रॉयल्स। हाँ ये तो फ्री से काम ले रहे हैं वैसे, 55-45 इन फेवर ऑफ राजस्थान। मौसम भाई ने खैर 70 चले, मिलेंगे फिर आपसे मिड इनिंग्स में, ठीक है, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर, बाय बाय।